उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व सीएम एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी की संदिग्ध मौत का मसला अब उलझता दिखाई दे रहा है। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार रात हत्या का मामला दर्ज कर लिया। आपको बता दें कि 40 साल के रोहित अपने घर में मृत पाए गए थे, उनकी नाक से खून बह रहा था। तो वहीं इस मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच के हवाले कर दी गई। केस ट्रांसफर के बाद क्राइम ब्रांच की एक टीम रोहित शेखर तिवारी के डिफेंस कॉलोनी में मौजूद घर पर पहुंची, साथ ही वहां पर सीएफएसएल की टीम भी बुलाई गई। मौका वारदात पर छानबीन की जा रही है। क्राइम ब्रांच रोहित शेखर तिवारी के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। केस की जांच पड़ताल भी अब हत्या के एंगल से ही की जा रही है। वहीं रोहित के ससुर का कहना है कि उनकी बेटी का इस मामले में कोई हाथ नहीं। ये कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि अपूर्वा यह कर सकती है। सर क्या नाम है आपका? तो आप मेरा नाम पद्माकर शुक्ला है। मेरे को पुलिस ने बताया नहीं है और न मेरे को कुछ मालूम है। पूछताछ चल रही है, अपूर्वा मेरे को कुछ नहीं मालूम भैया। कुछ कहाँ पे अपूर्वा अंदर होगी, मेरे से मिली नहीं अभी। और मदर रिपोर्ट लेकिन ये कहती है रोहित का मर्डर हुआ है। रोहित की रोहित अब ये इस विषय में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। क्या इससे पहले किसी तरह की तो कोई कभी लगा कि कोई झगड़ा हुआ कुछ? वो झगड़ती ही नहीं है, स्वभाव में नहीं उसके झगड़ा करना। मेरा नाम पद्माकर शुक्ला है। अब पुलिस वाले अब कुछ भी कह सकते हैं, वो झगड़ने का स्वभाव ही नहीं है उसका। दोनों के बीच में कोई मनमुटाव नहीं, कभी मनमुटाव का तो कल्पना ही नहीं है।